नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord N20 SE versus Samsung Galaxy M33 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Nord N20 SE में 6.45 इंच जबकि Galaxy M33 5G में 6.51 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Nord N20 SE में 2.95 इंच जबकि Galaxy M33 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Nord N20 SE में 187 ग्राम्स जबकि Galaxy M33 5G में 215 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Nord N20 SE से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Nord N20 SE में IPS LCD जबकि Galaxy M33 5G में TFT की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Nord N20 SE में 6.56 इंचेस जबकि Galaxy M33 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Nord N20 SE में 720x1600 और Galaxy M33 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Nord N20 SE में 84.57% जबकि Galaxy M33 5G में 82.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Nord N20 SE में 267 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy M33 5G में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Nord N20 SE में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy M33 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Nord N20 SE में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy M33 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Nord N20 SE में Powerwall GE8320 जबकि Galaxy M33 5G में Mali G68 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Nord N20 SE में MediaTek Helio G35 और Galaxy M33 5G में Samsung Exynos 1280 मिलता है। बात करें RAM की तो Nord N20 SE में 4GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy M33 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Nord N20 SE में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy M33 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Nord N20 SE में 5000 mAh जबकि Galaxy M33 5G में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Nord N20 SE में 1 ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें गैलेक्सी M33 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो OnePlus Nord N20 SE में 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy M33 5G की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Nord N20 SE आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में गैलेक्सी M33 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A76 है, दूसरा टेक्नो स्पार्क 9 है, तीसरा टेक्नो स्पार्क 9T है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क 8C है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।